अकाउंट ओपनिंग करने के लिए हम गूगल पे सर्च करेंगे एक कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ओपन करेंगे तो हमें फर्स्ट दिखेगा ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग, तो हम उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज खुलेगा जिसमें लिखा होगा एंटर योर नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। तो ईमेल एड्रेस डालेंगे, नाम डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल एड्रेस डालेंगे। जीमेल एड्रेस डालने के बाद फिर इसमें दोनों साइन अप कर देंगे। साइन अप करने के बाद ओपन नाउ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे पास अपने मोबाइल पे जो मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है उस पर एक ओटीपी आएगा। ओटीपी फिल करेंगे और फिर नेक्स्ट दबाएंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमें यस करना होगा। यस करने के बाद कुछ नेक्स्ट करने के बाद हम इसमें डालेंगे अपना एंटर योर पान और आधार नंबर। ऊपर पान नंबर डालेंगे, पान कार्ड नंबर जो होता है वो डालेंगे और फिर नीचे आधार नंबर डालेंगे और फिर नेक्स्ट दबाएंगे। नेक्स्ट दबाने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। मेल फीमेल डालेंगे, अपना मेल है तो मेल डालें, फिर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और मैरिड है या सिंगल है तो सिंगल पे क्लिक करेंगे, अगर मैरिड है तो मैरिड पे क्लिक करें, फिर नेक्स्ट दबाएं। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद हमें हाउस नंबर और लैंडमार्क और पिन कोड डालना होगा। तो पहले हम अपना एड्रेस डालेंगे, जो अपना खुद का एड्रेस है वहाँ का डालेंगे, फिर लैंडमार्क डालेंगे। लैंडमार्क डालने के बाद पिन कोड डालेंगे, एरिया का पिन कोड, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अपना सैलरी सेलेक्ट करेंगे और फिर 2 लाख इनकम चॉइस करेंगे। इनकम चॉइस करने के बाद नीचे दिया गया होगा फादर्स नेम और मदर्स नेम, फादर्स नेम और मदर्स नेम डालेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नॉमिनी नेम ऐड करने के लिए यस पे क्लिक करेंगे, वो एस्केप करेंगे। एस्केप करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अपने पास पेज खुलेगा नॉमिनी नेम, नॉमिनी नेम अपना भाई हुआ, भाई का नाम डालें, मदर्स नेम डालें, किसी का भी नाम डालें अपने फैमिली में और उनका एज डालें, डेट ऑफ बर्थ डालें, फिर उनका भी एड्रेस यहाँ पे फिल करना होगा। एड्रेस वो गांव में रहते हो तो गांव का डालें और ये शहर में रहते हो तो शहर का डालें। पिन कोड के साथ डालना पड़ेगा, तो पिन कोड डालेंगे, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद कुछ अपना प्रोफाइल इस तरह से आएगा, तो आप चेक कर सकते हैं कि सही है या नहीं है, वो चेक कर लें पहले एक बार, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर कंटिन्यू दबाएंगे और अपना आगे का प्रोसेस चेक करेंगे। पूरा प्रोसेस होने के बाद अपना पिन सेट करेंगे, 6 अंकों का पिन होगा, 6 अंक का पिन सेट करेंगे और फिर पिन सेट करने के बाद हम आगे का प्रोसेस करेंगे। पिन सेट 6 अंकों का डालेंगे इसमें, कोई भी नंबर जो 6 अंक का नंबर याद है, और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे का प्रोसेस देखेंगे। एनी कोटक महिंद्रा बैंक लिखा होगा, एनी कोटक महिंद्रा बैंक की चॉइस करेंगे और नेक्स्ट दबाएंगे। नेक्स्ट दबाने के बाद हमें तीनों पे साइन अप कर देना और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अपना प्रोफाइल खोल के आ जाएगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ बैंक अकाउंट नंबर है और सीएनएफ नंबर है, आईएफएससी कोड है, नीचे क्रेडिट कार्ड दिया हुआ है, अगर मंगाना चाहते हो फ्री में है तो मंगा सकते हैं, वरना इसको स्किप कर देंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ ऑनलाइन पेमेंट पे डालने के लिए बोल रहा है, तो ऑनलाइन पेमेंट भी डाल सकते हैं वरना स्किप कर दें। आगे का प्रोसेस है अपना डेबिट कार्ड, ये क्रेडिट कार्ड ही देख सकते हैं आप, क्रेडिट कार्ड यहाँ पे लेना चाहें तो ले सकते हैं। कुछ इस तरह से डेबिट कार्ड अपना बन के आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं नाम है और डेबिट कार्ड का नंबर है और सीएनएफ नंबर है, तो उसे कॉपी कर ले और अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट भी निकाल लें। फिर आप नीचे देख सकते हैं कि ऐप डाउनलोड करने के लिए दिया होगा कोटक महिंद्रा बैंक, उसे डाउनलोड कर लें।